Assalamualaikum students, with the name of Allah we are going to start our 7th lecture class 7 mathematics. बेटा आज हम पेज नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है ओवरलैपिंग सेट्स की. ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह जो आपस में ओवरलैप कर जाए, जिस तरह ये सेट ए है सेट बी है, इनके सेट ए के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स 5, 6, 7, 8, 9 है. यानी इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है. तो इसको कहते हैं यहाँ पे ये सेट ओवरलैप कर गए, ठीक है. तो ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे. अब इसकी डेफिनेशन देखें, सेट्स डेट हैव नॉन नल इंटरसेक्शन, मतलब कि जिसका इंटरसेक्शन खाली ना हो. इंटरसेक्शन इन दोनों का लें, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा, 5 और 6, ठीक है. तो ऐसे दो सेट जिसका आप इंटरसेक्शन लें, आपके पास नल सेट ना आए, उसको कहते हैं ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं. उसके पास सेकंड डेफिनेशन आ रही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. अगर आपके पास कोई भी सेट ए है, ठीक है, आप उसको यू यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो तो वो आपके पास सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा. अब देखें, द सेट ऑफ द एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डैश. अब देखें, वो कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें अगर आपके पास सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो इसमें का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप ए को माइनस कर दो, जो सेट आएगा उसमें सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसको कहेंगे ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है. अब देखा देखें बेटा पेज नंबर 15 पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी आप अगर दो सेट हैं ए और सी, ठीक है, आप ए यूनियन सी लें, वो इक्वल आएगा सी यूनियन ए के. इसी तरह अगर आपके पास सी और बी है तो क्या होगा, सी यूनियन बी लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन सी के. इसी तरीके बेटा यूनियन को लेके है, इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो किसकी है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है. तो इसमें ये इसमें भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. अब इसमें देखें, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन सी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी इंटरसेक्शन ए के. इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन बी लें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के. और यही चीज़ उन्होंने डेफिनेशन में बताई है. और बेटा लास्ट पे ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एंड द लास्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में आपके पास क्या है, आप पहले ए यूनियन बी लें, वो किसके ए यूनियन बी इसका आंसर आएगा, आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ठीक है. सॉरी बेटा, ये इंटरसेक्शन की है, यूनियन का ये है, ठीक है. ए यूनियन बी इसका जो आंसर आएगा वो आप उसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ, वो इक्वल होगा, पहले आप बी इंटर यूनियन सी लें और फिर इसका यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ, मतलब यहाँ पे सारे यूनियन आएगा. और इसी तरीके से जब आप इंटरसेक्शन का करेंगे तो यहाँ पे बस जस्ट इंटरसेक्शन का साइन आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इसका जो भी आंसर आएगा आपने उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, और यहाँ पे पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, जो भी आंसर आएगा आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ. तो बेटा आज का काम भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने लर्न करना है पहली डेफिनेशन ये, सेकेंड ये वाली, देन फिर ये,